चैनल देखने वेट एंड पोल्ट्री नेटवर्क। जो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो डिफरेंट वैक्सीनेशन रूट पार्ट नंबर 3 इन द फील्ड। ये वैक्सीन जो फील्ड में हम वैक्सीनेशन रूट कौन से हैं, उसको जो वैक्सीन तैयारी वैक्सीन को तैयार कैसे करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन किस ना करेंगे, उसका पोस्ट वैक्सीनेशन, उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर हमें क्या लेनी पड़ेगी। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इसके रिलेटेड वो है कि इंट्राकुलर आई ड्रॉप या नेजल ड्रॉप प्लस विंग वेव वैक्सीनेशन। सो आई ड्रॉप और नेजल ड्रॉप वैक्सीनेशन ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप जो वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं वो आई ड्रॉप है, नेजल ड्रॉप है या इंजेक्टेबल है या ड्रिंकिंग वाटर है, आपने इस बात को इंश्योर करना है कि वो जो वैक्सीन है वो मैन्युफैक्चरर गाइडलाइन के मुताबिक इस रूट के लिए बनाई गई है। आपको इंश्योर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आपने ड्रिंकिंग वाटर वाली वैक्सीन जो आप आई ड्रॉप में या नेजल ड्रॉप में यूज़ करें विंग वेव में, तो वो क्या आपको सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फ्यूचर में अपने फ्लॉक के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इसकी वैक्सीन मिक्सिंग, क्या वैक्सीन को किस तरह मिक्स करेंगे आई ड्रॉप के लिए, आपने जो उसका वायल है वैक्सीन की उसको और डायलवेंट की जो बोतल है उनको ओपन करना है, जो एल्युमिनियम सील और रबर स्टॉपर को रिमूव कर दिया। तो जब आपने वैक्सीन मिक्स करनी है, जो वैक्सीन है उसके जो डायलवेंट सॉल्यूशन के साथ, तो डायलवेंट का जो सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर 2-8 डिग्री होना चाहिए वैक्सीन मिक्सिंग के दौरान। सो नेक्स्ट, क्या आपने वो डायलवेंट की बोतल को ओपन किया, उसके सिरिंज के साथ वहाँ 3 ml सिरिंज के साथ 3 ml आपने सॉल्यूशन लेना है डायलवेंट और वैक्सीन वायल के अंदर उसको इंजेक्ट करना है। फिर वैक्सीन वायल को आपने रिंस करना है। वैक्सीन वायल को जब आप उसको बार बार रिंस करेंगे तो जो डायलवेंट है वो इसमें कोई भी इस तरह रिंस करना है कि उसके अंदर कोई भी रेजिड्यू या कोई भी जो है ना उसमें ऐसी चीज़ मौजूद ना हो कि जो वैक्सीन को बाद में डिस्टर्ब करे। स्लोली शेक द डायलवेंट बॉटल विद द ऑलरेडी कंस्यूम्ड वैक्सीनेशन विदाउट शेकिंग विग्रेसली। फिर आपने क्या करना है कि जब वो वैक्सीन आपने 3 ml जो वैक्सीन वायल के अंदर सॉल्यूशन ऐड किया था उसको पोर करना है किसमें, डायलवेंट सॉल्यूशन के अंदर, और डायलवेंट सॉल्यूशन को जो डायलवेंट है उसको दोबारा स्लोली उसको आपने मिक्स करना है, उसको स्लोली आपने जो शेक करना है लेकिन उसको ज़्यादा हाइट से ज़्यादा ज़ोर से उसको आपने शेक नहीं करना। उसके बाद आपने जो डायलवेंट है उसके ऊपर नोज़ल जो भी उसका ड्रॉप की नोज़ल है वो अटैच कर देनी है, क्योंकि अटैच कर देंगे तो यहाँ तक ये आपका स्टेप हो गया इसका वैक्सीन प्रिपरेशन का, कि वैक्सीन मिक्सिंग और प्रिपेयर कैसे किस तरह की। नेक्स्ट है वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, कि वैक्सीन को आपने बर्ड को किस तरह देना है। भी जो वैक्सीन है आपकी वैक्सीन इस सूरत में ही सक्सेसफुल होगी, यह सूरत में सक्सेसफुल कंसिडर की जाएगी कि आपका जो भी इसका जो रिकमेंडेड डोज है 0.03 ml पर बर्ड, और जो आपने आई में या नेजल में ड्रॉप डाल दिया है और अब्ज़र्व हो गया, वो अगर वो ड्रॉप अब्ज़र्व हो गया है तो तब आपकी वो सक्सेसफुल कंसिडर की जाएगी कि आपने जो वैक्सीन दी है बर्ड को वो सक्सेसफुल हो सकती है। अगर फॉर दिस इम्पॉर्टेंट टू वेट अ फ्यू सेकेंड एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रॉप बिफोर रिलीजिंग द बर्ड, कि आपने इस मकसद के लिए बर्ड को जब आपने ड्रॉप डाल दिया नेजल या आई में, तो आपने उसके इधर कुछ चंद सेकंड 2-3 सेकंड बर्ड को होल्ड करना है ताकि वो प्रॉपरली अब्ज़र्व हो जाए नेजल या आई कैविटी में। अगर ड्रॉप टोटली अब्ज़र्व नहीं हुआ तो आपने उसको न्यू ड्रॉप को जो है ना आपने ऐड करना है उसके अंदर दोबारा बर्ड की आई के अंदर। टू प्रिवेंट द कंटेंट ऑफ द वैक्सीन वायल फ्रॉम गेटिंग वार्म अगेंस्ट द हैंड ऑफ द वैक्सीनेटर, डिवाइड द कंटेंट ऑफ द रिकंस्ट्रक्टेड वैक्सीन इनटू 2 or 3 empty vials and alternate their use while keeping the others in a cooler with ice. जो आई ड्रॉप वैक्सीनेशन नेजल है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि जो डायलवेंट होता है वो जो आदमी वैक्सीनेटर है जो उसके हाथ में होता है वो, तो हाथ का टेम्परेचर आपको पता है कि है ना, जब इसको आप ग्रिप करके रखेंगे तो उसका टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। तो लेकिन इसके लिए जो वैक्सीन है आपको जो है ना वो 25-26 डिग्री से मैक्सिमम टेम्परेचर, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इस मकसद के लिए क्या करना है फिर आपने, कि उसके दो तरीके हैं और दोनों में
फिर मज़ीद परफेक्शन के लिए भी आप कुछ एडिशन कर सकते हैं। एक तो यह है कि आपने उसको क्या करना है कि वो जो डालवेंट है जो आपका 50 या 100 ml का जो डालवेंट है, आपने उसको क्या करना है कि तीन या चार हिस्सों में या दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। तो उनको अल्टरनेट यूज़ करना है कि चंद मिनट पे एक ड्रॉप यूज़ करने के बाद उसको आप दोबारा ले जाएं, उसमें ख़त्म करने के बाद उसको वापस रखें कूलर आइस में, वहाँ से न्यू ड्रॉप जो है ना आपने जो डिवाइड किया हुआ पोर्शन है वो यूज़ करें। सेकंड इसमें आप कर सकते हैं कि आप जो है ना एक पीस ऑफ क्लॉथ कोई भी कपड़े का टुकड़ा ले लें तो उसको कोल्ड वाटर के अंदर डिप करके तो जो डालवेंट है उसके साइडों में लपेट लें उसको, उसके गिर्द उसको रैप कर दें डायलमंड के, तो अपने हाथ से उसको पकड़ें तो इस तरह ये होगा कि जो पीस ऑफ जो आपका हैंड है वो डायरेक्ट अटैच है विद क्लॉथ पीस के, और जो पीस ऑफ क्लॉथ है वो ऑलरेडी उसका टेम्परेचर डाउन है, कोल्ड वाटर डिप किया हुआ है, तो आपके डायलमंड का टेम्परेचर इतनी जल्दी हाई नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप ये वैक्सीन को आपने इसको हाई टेम्परेचर से प्रिवेंट करना है। पोस्ट वैक्सीनेशन के आपने क्या करना है, सेम के आपके जो एक तो ये देखना है कि आपकी लेट से वो वैक्सीन थी आपकी 30,000 के लिए, तो आपने बर्ड्स वर्सेस वैक्सीनेशन डोजेस कि ये चेक करना है कि अगर 30,000 के लिए वैक्सीनेशन थी मेरी तो क्या ऐसा तो नहीं है कहीं कि मैं मतलब है कि हम वैक्सीन 30 को कर चुके हैं लेकिन उसके बाद भी हमारे पास कुछ वैक्सीन बच गई है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि जो वैक्सीन आपने की हुई है वो वैक्सीन प्रॉपर नहीं हुई, कोई मिसिंग है कहीं पर, डोज मिसिंग है या कोई इशू है ऐसा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कंपेयर करना है बर्ड्स और वैक्सीनेशन को, फिर उसके वैक्सीन के जो सेम उसके डोज और उसके जो एक्सपायरेशन पीरियड आपने वो जो डेट है उसको नोट करना है, या कोई भी इशू क्रिएट हुआ है ड्यूरिंग वैक्सीनेशन तो उसमें या बर्ड के साथ कोई रिएक्शन हुआ है तो आपने उसको भी नोट कर लेना, ताकि आपके फ्यूचर जब रिज़ल्ट एवेल्यूशन करेंगे आप तो आपको वहाँ से दिखे क्लियर हो जाएगा कि ये इशू हमें वैक्सीन के दौरान मिला था या इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे। तो फिगर वन में आपको दिखाया जा रहा है कि आपने एक तो प्रॉपर आप जो है ना हाइजेनिक मेजर लेनी है कि उसको वैक्सीनेशन के लिए हाइजेनिक मेजर लें ताकि कंटेमिनेशन के चांस कम से कम हों। सेकेंड फिगर में आपको बहुत क्लियर दिखाया जा रहा है कि आपने जो वैक्सीन ड्रॉप इंसर्ट करना आई के अंदर, आई कैविटी के अंदर, तो एक तो आई प्रॉपर खुली होनी चाहिए बर्ड की, बर्ड को प्रॉपर होल्ड होना चाहिए। तीसरा जो उसकी ड्रॉप नोज़ल है, जो डायलमंड की नोज़ल है, वो नोज़ल उसकी आई कैविटी के साथ टच नहीं होनी चाहिए, बल्कि थोड़ी स्पेस रख के उसके तो प्रॉपर जो आई ड्रॉप है वो आपने इंसर्ट करना है और चंद सेकंड वेट करना है ताकि वो ड्रॉप ऑब्जर्व हो जाए, फिर बर्ड को रिलीज़ करना आपने। विंग वेव वैक्सीनेशन के, विंग वेव वैक्सीनेशन क्या होगी, किधर कहाँ कौन कौन सी वैक्सीन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ये रूट जो है ना वो फाउल पॉक्स, एवियन इंसेफेलाइटिस और जो चिकन है चिकन अनीमिया एंड लाइफ ऑल कैल्ला वैक्सीनेशन के लिए जो ना ये विंग वेब रूट इस्तेमाल होता है। वैक्सीन प्रिपरेशन, इसका सेम वैक्सीन प्रिपरेशन जो है ना वो सेम आई ड्रॉप की वैक्सीन की तरह है, लेकिन इसमें जो आई ड्रॉप की वैक्सीन उसके लिए हमें जो सेपरेट डायलमंड मिलते हैं आप मार्केट से ले सकते हैं, लेकिन इसके विंग वेब के लिए उसके साथ वैक्सीन के साथ इसके जो डालवेंट है उसके साथ ही आते हैं। शेक द वैक्सीन वाइल केयरफुली टर्निंग द वाइल फ्रॉम वन साइड टू अदर विदाउट टैपिंग, के आपने जो वैक्सीन वाइल है उसको केयरफुली आपने शेक करना है। और विंग वेब एप्लीकेटर, ये आपको पिक्चर में दिखाया है कि विंग वेब एप्लीकेटर किस तरह का है, ठीक है, तो ये विंग वेब एप्लीकेटर है जिससे आप विंग वेब में वैक्सीन इंसर्ट करेंगे। वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, के वैक्सीन आपने किस तरह बर्ड को देनी है, किस तरह वैक्सीन करनी है बर्ड में। Administer the vaccine in the center of the wing web using a 2-point needle applicator, कि आपने जो वैक्सीन है वो बर्ड के विंग वेब के सेंटर में इंसर्ट करनी है, जो कि एप्लीकेटर आपने लास्ट पिक्चर में देखा है अभी, तो उसको जो विंग वेब में वैक्सीन अप्लाई करने से पहले वहाँ पे कोई भी अगर कोई फैदर्स है तो उनको निकालना रिमूव कर देना चाहिए। फिर आपने जो एप्लीकेटर है उसको डायलवेंट वैक्सीन के अंदर डिप करना है और उसको उसके बाद जो विंग वेब का सेंटर है वहाँ पे आपने उसको इंसर्ट करना है। कोई भी अगर फैदर है, फैदर नहीं आने चाहिए उसके, जब आप डिप कर रहे हैं तो डिपिंग के दौरान कोई जो फैदर है, फैदर नहीं आने चाहिए उसके बीच में, कोई ब्लड वेसल या वूंड्स नहीं होनी चाहिए,
इनको अवॉइड करना आपने। चेंज द नीडल एवरी 500 बर्ड, क्या आपने जो नीडल है वो हर 500 बर्ड के बाद चेंज करनी है। तो जो यूज़ की नीडल है, जब आपने चेंज की एक नीडल दूसरी के साथ, जो यूज़ नीडल आप उसको डिसइंफेक्ट करेंगे और उसको आप दोबारा उसको यूज़ कर सकते हैं। डिसइंफेक्ट करने के बाद दोबारा आप उसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो अभी तक तेज़ है। अनलेस के आपकी नीडल कहीं डिस्ट्रॉय ना हो जाए, कोई बून के साथ अटैच हो जाए तो वो ब्लंट हो जाए या आगे से उसको ज़्यादा वो टेढ़ी हो जाए, तो इस सूरत में आप उसको ज़ाया कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप हर 500 बर्ड के बाद नीडल चेंज करें, जो यूज़ बना उसको डिसइंफेक्ट करें और दोबारा आप यूज़ कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग एफ्टर ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑफ द विंग वेन, इसका अगर एप्लीकेशन के दौरान, विंग वेन वैक्सीन की एप्लीकेशन के दौरान अगर आपकी जो वेन है वो पंचर हो गई है, तो आपने क्या करना है कि इमीडिएटली जो उसकी जो नीडल है उसको चेंज करना और वैक्सीनेशन को रिपीट करना। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा है कि ठीक है वैक्सीन मैंने अप्लाई की है, विंग वो अप्लाई ख़राब हो गया है, जो सरिंज है या ब्लड निकला है विंग से, तो ठीक है नहीं वैक्सीन मैंने अप्लाई कर दी, नहीं आपने उसको तो दूसरा क्यों कंटामिनेट हो गया, वो आपका जो एप्लीकेटर वो कंटामिनेट हो गया, तो लिहाजा आपने क्या करना है उसको चेंज करें और वैक्सीनेशन को रिपीट करें। डोज एप्लीकेशन के फिगर फर्स्ट में आपको दिखाया जा रहा है कि विंग वेब में डोज एप्लीकेशन कैसे करनी है, और सेकेंड फिगर में आपको दिखाया विंग वेब की क्लियर फोटो कि विंग वेब जहाँ पे विंग वेब है उसको जो क्लियर है वहाँ पे फैदर नहीं होना चाहिए, कोई वेन्स या कोई बूंद नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको क्लियरली फिगर में आप देख सकते हैं कि जो विंग वेब का सेंटर है ना वो सेंटर है ये। पोस्ट वैक्सीनेशन कि इसके पोस्ट वैक्सीनेशन क्या हो सकता है, इसके कि आपने पोस्ट वैक्सीनेशन कौन सी चीज़ इसकी नोट करनी है। 7 to 10 डेज आफ्टर वैक्सीनेशन आपने वैक्सीनेट टेक चेक करना उसका, कि जो एटलीस्ट 50 बर्ड पर हाउस आपने उसको चेक करना है। जो वैक्सीनल टेक्स हैं कि वहाँ पे एक शिकार बनता है, तो हम इस कार को मज़ीद जो है ना इसकी नेक्स्ट टॉपिक में, जो नेक्स्ट टॉपिक्स आएंगे वैक्सीन से रिलेटेड कि वैक्सीन क्वालिटी कंट्रोल, वहाँ पे देखेंगे कि आपको आप किस तरह उसको जज करेंगे कि ये वैक्सीन ठीक है, ये ठीक नहीं हुई, या ये मीडियम टाइप वैक्सीन हुई है सही नहीं, हम इसको फ्यूचर में कैसे इम्प्रूव करेंगे। तो हम वैक्सीन टेस्ट को उसमें जो वैक्सीन क्वालिटी कंट्रोल है वहाँ पे डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट नोट क्या है कि इम्पॉर्टेंट नोट में ये है कि आपने जब एप्लीकेटर डिप करना है उसको बिल्कुल उसकी टू डीप जो वैक्सीन का बॉटम है वहाँ तक, जो वायल है वहाँ तक उसको डिप नहीं करना। अगर वहाँ तक करेंगे तो एप्लीकेटर के ऊपर तक भी वैक्सीन अटैच हो जाएगी, जो आपकी वैक्सीन वेस्ट का एक जो बायस होगी कि आप अपनी वैक्सीन को वेस्ट करेंगे। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे रॉन्ग जो एप्लीकेशन है वो ये है कि आप देख रहे हो उसको डिप तक एप्लीकेटर को डिप कर रहे हैं। तो सेकंड जो करेक्ट पॉइंट आपको दिखाया जा रहा है उसमें देख सकते हैं कि जस्ट उसकी जो नीडल है एप्लीकेटर की वही वैक्सीन के अंदर डिप है, वैक्सीन का जो कोई दूसरा डेया है उसका ऊपर वाला पार्ट है एप्लीकेटर का वो डिप नहीं है। तो करेक्ट मेथड यही है कि आपने उसको जो नीडल है जस्ट उनको आपने डिप करना है वैक्सीन वायल के अंदर। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए हमें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।